सो आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। मोस्टली सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बाकी मेंबर्स जुड़ते जाएंगे, वैसे हम उनको ऐड करते जाएंगे इन जूम मीटिंग में। होम एजुकॉन उनकी संपूर्ण टीम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमबीबीएस अब्रॉड स्टडी। देखिए, आई नो वेरी वेल, मैंने भी आफ्टर 12th अब्रॉड में स्टडी किया हुआ है। सो काफी सालों से सेमिनार्स करता आया हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना 19 कोरोना डिजीज प्रॉब्लम जो हमारे बीच में आई हुई है, उस वजह से हम जूम से लाइव सेमिनार्स कर रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पहली बात तो यह है कि नीट बायोलॉजी स्टूडेंट जो होते हैं उनका सबसे पहला फोकस होता है कि भाई मुझे मेरे स्टेट में, मेरी सिटी में, अपनी जगह पे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। बट वी ऑल नो वेरी वेल, 17 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे ऑल ओवर इंडिया से। उसमें से 50% अप्रोक्सीमेटली एलिजिबल होंगे, पास होंगे नीट एग्जाम में। रही बात एडमिशन, 70 लाख में से 50% पास होंगे। आप सोचिए कि 64,000 सिर्फ एमबीबीएस की सीट है। कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और सीट है एमबीबीएस की वो बहुत ज्यादा कम है, और इस वजह से सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन हजारों स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से भिन्न भिन्न देशों में एमबीबीएस के लिए जाते हैं, लेकिन वहां तक काफी लोगों का सपना ही रह जाता है एमबीबीएस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एमबीबीएस के अलावा कोई और कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ ड्रॉप ले लेते हैं, कोई अगले साल के लिए ट्राई करना चाहते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए काफी क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई वहां पे सेफ होगा या नहीं, एनवायरनमेंट क्या होगा, स्टडी कैसी होगी। बहुत सारी रूमर्स भी होते हैं कि वहां की स्टडी ऐसी होती है, वैसे होती। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि विद इन 45 मिनट्स में वी विल इसमें ये जो सेमिनार्स हमने किया, वेबिनार किया है, जो आप सभी जुड़े हुए हो, वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक जगह पे बैठिए, आराम से सुनिए, एंड गिव यू गारंटी कि बहुत यूजफुल रहेगा सेमिनार। और फ्यूचर में आप भी विद द ऑल इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उससे आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनको हेल्प कर पाएंगे। सो आपका जो सपना है एमबीबीएस मेडिसिन या फिर डॉक्टरी करना, वो सपना साकार हो सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। और उसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा। प्रेजेंटेशन में 1-to-1 सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्क्रीन के ऊपर वो मार्क्स बनाएगा मत। जो प्रेजेंटेशन पे मटेरियल दिखाने वाला हूँ आपको मैं, जो प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, वो सारी चीजें, वो सारी प्रेजेंटेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल सकती है। सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, और अगर आपके फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं इस वेबिनार में, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दे कैन ज्वाइन, सो वी कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जो बात है वो स्टार्ट करते हैं, और आज का जो सेशन है सबसे पहले, अगेन वंस अगेन आप प्रेजेंटेशन देख देख पा रहे होंगे अभी, और मेरी आवाज भी आपको क्लियरली आ रही होगी। सो फर्स्ट थिंग कि कौन सी कंट्री में स्टडी करने के लिए जाए एमबीबीएस। तो देखिए, दुनिया के 206 देश है, 206 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री में आप एमबीबीएस स्टडी करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। वहां पे आपको कोई नहीं रोक सकता। मेनली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो है वो सोच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास माहिती इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, रॉन्ग बिलीफ।
काफी लोग कहते हैं कि भी विदेश में एजुकेशन अच्छा नहीं होता है, घर से दूर है, हमारे बच्चे है वो सेफ रहेंगे या नहीं, एमसीआई अप्रूवल कॉलेज होगी या नहीं, एमसीआई एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होती है, खाने का प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, मिसगाइड बाय यानी कि किसी ने मिसगाइड किया कि भी नहीं ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए, वी आर द लोकल मीडियम स्टूडेंट्स, हमें इंग्लिश इतनी पावरफुल नहीं आती, दिस आर द रीजन जिस वजह से काफी स्टूडेंट जो है वो स्टडी अब्रॉड के बारे में नहीं सोच पाते। देखिए मैं बताऊं आपको, तो मोर देन 25,000 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाते हैं। सो दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे एमबीबीएस स्टडी के लिए इंडियन स्टूडेंट्स ना हो, और अगर जाने का हम सोचे तो किस वे में सोचते हैं, क्राउड को फॉलो करके, रिलेटिव्स को फॉलो करके, या फिर स्कूल और फ्रेंड्स को फॉलो करके, यानी कि हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। जहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, जहाँ की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, वहां पे हम चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करियाना की दुकान पे जाते हैं और बोलते कि भाई मुझे टूथपेस्ट दीजिए, कि जगह हम क्या बोलते हैं, मुझे कॉलगेट दीजिए। तो ऐसे ही होता है कि इस कंट्री जहाँ की एडवर्टाइजमेंट देखिए, आसपास वाले रिलेटिव जा रहे हैं या फिर स्कूल फ्रेंड जा रहे हैं वहां पे हम। तो देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स जो अभी मुझे लाइवली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दस चॉइस आपकी होनी चाहिए। तो कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए स्टडी अब्रॉड के लिए? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 6 पॉइंट्स कंसिडरेशन करने चाहिए। सबसे पहले फाइनेंस, दूसरा सेफ्टी, तीसरा फूड, एकोमोडेशन, देन एजुकेशन एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो एग्जाम दी जाती है उसको ध्यान में रख के आपको सोचना चाहिए कि यू वॉन्ट टू गो फॉर एब्रॉड और नॉट। तो सबसे पहले फाइनेंस, देखिए फाइनेंस इसलिए क्योंकि सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपकी आपके फैमिली की इन्वेस्ट होने वाली है, तो उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, ऐसे 3-4 चीजें नहीं होती, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे आने जाने की टिकट होती है, हर कंट्री में आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, देन आपकी कुछ सिक्योरिटी अमाउंट्स भी ली जाती है काफी इंस्टीट्यूट काफी कंट्री में, वीजा फीस होती है, वीजा एक्सटेंशन फीस होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, एग्जाम फीस होती है, और इन सभी का काउंट करके आपको एक प्लानिंग करना चाहिए। वी नो वेरी वेल कि काफी एडवर्टाइजमेंट आती है मार्केट में जिसमें लिखा होता है कि 6 लाख रुपीज में एमबीबीएस, इतने लाख रुपए में एमबीबीएस। तो फाइनेंस का बात कर रहे हैं तो मैं सिंपली सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि 20 लाख से कम में कहीं भी एमबीबीएस नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई वी अपलोडेड सच फोटोग्राफ्स जहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल फीस में क्या क्या इंक्लूड होता है, और अगर सारी चीजें इंक्लूड की जाए लाइक हॉस्टल, फूड, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, आने जाने की हर साल की टिकट, तो कितना पैकेजेस होते हैं। सो डोंट वरी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट बाय व्हाट्सएप, तो आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट में सेकेंड पॉइंट है सेफ्टी। आप कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी में, कोई भी इंस्टीट्यूट को पसंद कर रहे हैं तो आप पर्सनल सेफ्टी, सिक्योरिटी कैसी है आपकी वो जानिए, पॉलिटिकली वो कंट्री स्टेबल है या नहीं, एटमोसफियर, काफी कंट्री में देखिए हर साल सुनामी आती है, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ एपिडेमिक प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडरेशन में लेने चाहिए। खाने, फूड, देखिए वी आर इंडियंस एंड मोस्टली वेजिटेरियन स्टूडेंट जो होते हैं उनको खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, सो ये पॉइंट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे फूड फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है। एकोमोडेशन, कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा खाना मिले, अच्छे रहने की फैसिलिटीज मिले, तो डेफिनेटली एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो अपने स्टडी में कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर सकता है। तो एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटीज है उसको वीडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ्स एंड ऑल द थिंग्स आपको देखनी चाहिए। आप एक दुनिया का सबसे मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन जो है ना उसमें स्टडी करने जा रहे हैं, यानी एमबीबीएस डॉक्टर की कितनी वैल्यू है वो तो हमें पता ही है। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहां पे एजुकेशन अच्छा हो, जहाँ पे लाइब्रेरी हो, जहाँ पे बुक्स अवेलेबल हो, जहाँ पे स्टडी मटेरियल हो, जहाँ पे प्रोफेसर्स हो, डॉक्टर्स हो। काफी स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ जो अब्रॉड पढ़ रहे होते हैं या तो फिर इंडिया में पढ़ रहे होते हैं कि भाई आप जिस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें कितने क्लासेस है, उसमें कितने प्रोफेसर है, उसमें कितने डॉक्टर्स है, उसमें कितने फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी डॉक्टर पास आउट हो चुके हैं उसमें कितने डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, या फिर पूछू कि कितने डिपार्टमेंट्स है, कितनी हॉस्पिटल्स है, कितने लेवल की स्टडी होती है, उसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, एमसीआई रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज, WHO डिक्शनरी में है या नहीं, वहाँ पे कौन सी बुक्स, सिलेबस क्या है,
हर साल एग्जाम आती है सेमेस्टर वाइज, ये पूछता हूँ तो वो लोग चुपचाप रह जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते। और उन सभी चीजों से मुझे ये लगता है कि आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा में जाओ या कहीं भी जाओ और इबादत करने जा रहे हो, या फिर कहते हैं कि प्रेयर करने जा रहे हो और यू डोंट नो कि वहां पे कौन बैठा है, तो फिर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो नहीं रह जाएगा। सो दैट्स द थिंग कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लो चाहे वो अब्रॉड में लो, आप ये सारे पॉइंट्स जानिए। देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सोचते कि भी चलो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन 100 out of 90 स्टूडेंट्स कैंसिल कर देते जाना। पता है क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि विदेश में अगर आप जाओगे एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए तो वापस कोई आओगे तो आपको एक एग्जाम देनी है जिसका नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, और वो किसी भी देश से जाओ वहां से पढ़ के आओगे तो यहाँ पे देनी ही होती है। लेकिन लोगों का मानना है कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन 100 out of 90 स्टूडेंट जो है वो नहीं जाते, यानी कि स्किप कर देते, अपना ड्रीम चेंज कर देते। लेकिन मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताऊं, मैंने खुद पास किए इस एग्जाम, मेरे मोर देन 300 स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं फर्स्ट टाइम में। अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया था उसमें 79% स्टूडेंट्स मेरे बच्चों ने रिजल्ट लाके दिखाया है, एंड दे आर राइट नाउ ऑफिशियली मेडिकल स्टूडेंट्स, ऑफिशियली मेडिकल डॉक्टर इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल चुका है। ये जो एग्जाम जो है ना FMGE, वो एग्जाम साल में 2 बार ली जाती है। ये एग्जाम में 300 MCQs आते हैं, सिर्फ 150 मार्क्स लाने हैं आपको, एक MCQs का एक मार्क्स है, सिलेबस उसका फिक्स है, अनलिमिटेड ट्राई है, नो नेगेटिव मार्किंग, और आपको सिर्फ और सिर्फ 50% लाने। तो सोचिए दुनिया की इजीएस्ट एग्जाम हो गई, क्यों बता? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नीट में भी नेगेटिव मार्किंग था, यानी कि सिर्फ 50% लाने। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट बनेगा और कुछ ही लोगों को यहाँ का लाइसेंस मिलेगा। सो दुनिया की इजिएस्ट एग्जाम है, वाई? बिकॉज 2 टाइम एग्जाम, अनलिमिटेड ट्राई, 50% लाना है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 या 6 साल की स्टडी आप अब्रॉड करने जा रहे हो, जिसका सिलेबस भी फिक्स है, जिसका क्लियरली मेंशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर इसमें से सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ो आप, तो आपके 50% मार्क्स आ सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन द थिंग इज दैट फिर भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स डरते हैं इस एग्जाम से, और मेरा ये मानना है कि अभी तक जो रिजल्ट आ चुके हैं 8% मिनिमम और मैक्सिमम 32% रिजल्ट आया इस एग्जाम का, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन नहीं होती उस एग्जाम की, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता, कोई भी कंट्री में चले जाते हो फ्रेंड्स के साथ और पहले से प्रिपरेशन ना हो तो डेफिनेटली 6 साल 5 साल में पढ़ा हुआ, 1 साल अगर आप 1-2 महीने में अगर आपको स्टडी करना हो, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन आज मैं जिस 4 कंट्री की इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वहां पे हमारे सभी स्टूडेंट्स 70-90% रिजल्ट ला रहे हैं फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में 100% हमारा रिजल्ट है। एंड नॉट ओनली दिस एग्जाम बट अमेरिका की, यूएसए की जो एग्जाम आती है लाइक USMLE, लैब की जो एग्जाम आती है, वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में हमारे जो स्टूडेंट्स है, ओमेजुकोन के साथ जुड़े स्टूडेंट्स है, वो क्लियर कर चुके हैं। सो सिंपल थिंग इज दैट कि ऐसी फालतू एग्जाम जो माइनस मार्किंग वाली नहीं है, यानी कि उसमें तो तुक्का लग सकते हैं 20%, क्योंकि आप 100% अटेंड करके आओगे। कहने का मेरा मतलब सभी स्टूडेंट्स को यह है कि इस वेरी इजी एग्जाम, उसकी वजह से आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। और इस एग्जाम्स रिलेटेड मैं ये बताऊं कि सभी जगह पे क्लासेस चल रहा है, सो यू नो नीड टू वरी अबाउट द थिंग्स। हम हमारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं मंथली, इसका इस तरीके से पूरा टाइम टेबल होता है, और डेली व्हाट्सएप पे हम शेयरिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ MCQs ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए। तो थिंग इज दैट कि यू नो नीड टू वरी अबाउट द एग्जाम। और दूसरी बात यह है कि अब ये जो एग्जाम है वो सभी के लिए कंपलसरी है। कैसे? सभी के लिए इन द सेंस, जो इंडिया में MBBS करने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट्स को भी ये एग्जाम कंपलसरी अब देनी होगी, जिसका नाम है नेक्स्ट। सो अगले साल से 2021 से ये एग्जाम जो स्टूडेंट्स इंडिया में MBBS करेंगे उनको भी देनी होगी। अभी मैंने बताया आपको कि भी किस वे में, कौन से 6 पॉइंट्स कंसिडर करके यू शुड थिंक अबाउट स्टडी MBBS अब्रॉड। नाउ आपने
पॉजिटिवली सोचा कि नहीं हम सोच सकते हैं, हम जा सकते हैं, तो किस वे में, हाउ टू सिलेक्ट कंट्री, सिटी एंड यूनिवर्सिटी। तो उसकी बात करूं तो कंट्री का अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो ऑफकोर्स देखिए कि स्टूडेंट सेफ्टी, पॉपुलेशन लिटरेसी रेट क्या है, देन मेडिकल फील्ड में वो देश जो है वो कितना आगे है, पॉलिटिकली कितना स्टेबल है, इंडिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, एटमोस्फियर वाइज एंड द बिहेवियर टुवर्ड द इंडियन, क्योंकि आपको वहां पे जाके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जब आपके स्टार्ट होंगे तब आपको वहां के नागरिक जो होंगे, वहां के लोग जो होंगे, उनको आपको चेक करना होगा, उनका ब्लड प्रेशर लेना, उनके साथ उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। सो दैट्स व्हाई दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग इज द सिटी। देखिए एक कंट्री है रशिया, तो उसमें इतनी सारी सिटीज है, यूक्रेन है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, जिसकी हम शॉर्ट टाइम में बात करने वाले हैं। तो इतनी सारी कंट्रीज में कंट्रीज जो होती है उसका सिलेक्शन कैसे वो बताए। अब उसमें भी बहुत सारे सिटी होते हैं, तो उसमें से कैसे, तो देखिए आपकी सेफ्टी कितना है। छोटा सिटी होगा टाइम कम वेस्ट होगा आपका, बड़ा सिटी होगा तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा, ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्ट में, चीजें लेने जाना, देने जाना, इन सब में वेस्ट होगा। टूरिस्ट प्लेस ना हो, यानी अवॉइड कि भी ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस हो तो वहां पे स्टडी नहीं होगा या तो फिर सेफ नहीं होंगे आप। पॉपुलेशन वाइज कम होगा तो डेफिनेटली कहते हैं ना कि ज्यादा महंगा नहीं होगा। ऑल द पॉइंट्स यू शुड कंसिडर फॉर व्हाट कि भी सिटी सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पॉइंट्स आप अगर इंडिया में भी किसी भी कोर्स के लिए सिलेक्शन की बात करते हो तो यू शुड मींस कंसिडर। एमबीबीएस अब्रॉड में अगर आप जा रहे हो तो कैसे आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, तो वो एमसीआई डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज है या नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट, कितने डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर में, कितनी हॉस्पिटल्स है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, हॉस्टल एंड फूड का अरेंजमेंट क्या है वहाँ पे, कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने डॉक्टर्स पास आउट है, कितने डॉक्टर्स वहाँ पे अभी बन रहे हैं, उनकी टीचिंग मेथड क्या है, सिलेबस, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें जानोगे तो आपको पता चलेगा कि उस यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है और आप सिलेक्शन इजिली कर पाओगे। ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको खुद से डॉक्टर उमेश गुर्जर या फिर कोई और बोले उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। माउथ स्पीकिंग, मुंह तो कुछ भी बोलेगा किसी का भी, तो पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो उस यूनिवर्सिटी की, देन एम्बेसी जो होती है हर देश की यहाँ पे होती है, हमारी एम्बेसी वहां होती है, उनको भी कॉल कर सकते हैं, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट, गूगल गुरु इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको उस कंट्री के बारे में, उस सिटी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको उस गूगल से मिल सकता है। पास आउट डॉक्टर्स उस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं वहां से, जो पास होके इंडिया में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए, करंट अभी जो पढ़ रहे हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। रिसेंटली जो स्टूडेंट जाने वाले हैं वो क्यों जा रहे हैं वो भी जान सकते हैं। जो भी सिलेक्शन है आपका उसके बारे में इनफ वीडियोस, फोटोज सब जानिए, पहचानिए, एंड देन मैं कहूंगा कि आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बाकी सारी कंट्री की इंफॉर्मेशन आपको दूं, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि पासपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सोचना स्टार्ट करो, थिंकिंग स्टार्ट करो, या फिर आप अपना एक सिलेक्शन कर दो कि मुझे इस कंट्री में, इस कॉलेज में पढ़ने जाना है, एमबीबीएस करने जाना, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो पासपोर्ट। काफी स्टूडेंट्स हर साल पासपोर्ट न होने की वजह से एब्रोड नहीं जा सकते, क्योंकि सर्टन इंटेक होता है। काफी कंट्री में जो है अभी बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा सा लेट चला गया, नवम्बर तक गया, किसी में अक्टूबर तक गया है, और किसी कंट्रीज ने इस साल इंटेक नहीं लिया है, जनवरी इंटेक होता है किस कंट्री में, किसी कंट्री में नहीं होता है, तो पासपोर्ट होगा तो ऑन द स्पॉट आप जा पाओगे। सो रिमेम्बर कि भी आप इसके बारे में सोचे। सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में मैं जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, जो आपके रॉन्ग बिलीव्स है कि भाई स्टडी नहीं होती अच्छी, वहां पे ये नहीं होता, वहां पे वो नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के, वो आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सो स्टडी फॉर स्टार्टिंग कर रहे हैं हम बेलारूस से। सो बेलारूस जो है वो एक छोटी सी कंट्री है सेंटर ऑफ यूरोप में, और यू कैन सी इन द मैप ऊपर की तरफ रशिया, नीचे की तरफ यूक्रेन है, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया के बीच में द सेंटर ऑफ यूरोप। ओनली 10 मिलियन पॉपुलेशन है और 99.9 लिटरेसी रेट। कंट्री का नाम बेलारूस, यूरोप खंड में आया हुआ देश है। वहां का बेलारूसियन रूबल इज इक्वल टू 30 इंडियन रुपीस। टोटल मेडिकल कॉलेज इस देश में बात करें तो 4 है, और
ब्यूटीफुल कंट्री इन द मिडल ऑफ यूरोप, नेबर कंट्री मैंने बता दी, 40% टोटल लैंड कवर है, यानी कि नेचुरल आप देख रहे हैं पिक्चर में, नेचुरल ब्यूटी. एंड कोई भी अभी तक स्किन हैड प्रॉब्लम, रैगिंग प्रॉब्लम, पॉलिटिकली स्टेबल है, बेलारूस के जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो भी अच्छा है. सो दिस आर द कंट्रीज के सिलेक्शन के पॉइंट्स है जो आप देख रहे हैं. चार सीजन होती है टोटल, ऑटम, विंटर, एंड ऑफ कोर्स विंटर में माइनस में टेम्परेचर जाता है, सो यू शुड कंसिडर दैट पॉइंट ऑल्सो. एंड सिटी की बात करो तो ग्रोदनो सिटी, चार मेन सिटी है, ग्रोदनो मीन्स विटेब्स एंड गोमिल, और चारों इस सिटी के अंदर चार मेडिकल कॉलेजेस है, और हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम है ग्रोदनो, ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इसके अलावा मीन्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एंड विटेब्स एंड गोमिल में भी. ये जो सिटी है वो ओनली 7 लाख पॉपुलेशन वाला छोटा सा एक सिटी है, एंड नियर पोलैंड बॉर्डर पे आया हुआ, सेफ एंड सिक्योर है. इस सिटी के अंदर चार यूनिवर्सिटी आई हुई है, मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों से आके पढ़ रहे हैं, और 98 कल्चरल प्लेसेस है, यानी कि एक लैंडलॉक कंट्री है बेलारूस देश जो है, वो आसपास कोई समंदर नहीं है, ना कोई टूरिस्ट प्लेस है, सिटी जो है वो कल्चर प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है. सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द पोलैंड, और पोलैंड के पास में ग्रोदनो सिटी आया हुआ है, मींस इनका कैपिटल है. ये पूरा जो दिख रहा है आपको बेलारूस, यानी कि गुजरात जैसा देश, अहमदाबाद जितनी पॉपुलेशन, इतना छोटा देश जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. सो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 1958 से रनिंग है, 62 ईयर ओल्ड, रिकॉग्नाइज बाय WHO, MCI एंड ऑल, एंड ऑल्सो रनिंग बाय द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है. यहाँ की एडमिशन क्राइटेरिया 65% से अबोव चाहिए, आपको एक ओरल एग्जाम इंटरव्यू भी देना पड़ेगा. यूनिवर्सिटी की और डिटेल आपके साथ शेयर करें तो वो है 52 हॉस्पिटल्स है, 58 डिपार्टमेंट्स है, 92 से वो लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ा रहे हैं, एंड लास्ट 50 इयर्स में टोटल 18,000 से ज्यादा ग्रेजुएट हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, यू कैन कंपेयर विद द एम्स, यू कैन कंपेयर विद द विजय मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 45 डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन, 37 प्रोफेसर, 120 कैंडिडेट, ये सारी इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उनके, टोटल 32 कंट्रीज के साथ डायरेक्टली टाई अप है, इवन दे हैव एक्सचेंज प्रोग्राम विद द जर्मनी, कि जहाँ पे आप मीन्स ड्यूरिंग स्टडी जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन है, टोटल बेलारूस में हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो पोलैंड हो, मोस्टली यूरोप की सभी कंट्रीज में एजुकेशन जो है वो 6 साल का है, MBBS एजुकेशन 6 साल का है. स्टडी टोटली कंप्लीटली फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे इंग्लिश मीडियम में रहेगा, एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स होते हैं, मार्किंग सिस्टम उनकी डेली बेसिस है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट भी होती है, एंड फाइनल एग्जाम इंटरव्यू बेसिस होता है. सो दिस आर द थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मैं कहूँगा कि यूक्रेन, रशिया, बेलारूस का है कि एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं. सो रिमेम्बर दिस पॉइंट, दिस इज अ प्लस पॉइंट, कि ग्रुप ट्यूशन जैसा एक माहौल होता है. दूसरी बात प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इन सभी कंट्रीज में जिसका नाम दिया मैंने, यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस, जहाँ पे एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, ऑल द एवरीथिंग इज बाय गवर्नमेंट, वहां पे सारी चीजें कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट से होता है, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है, और उसका फायदा जो है ना हमारे स्टूडेंट्स को होता है. क्या कि भाई एक प्राइवेट, वहां के जो लोग है, बेलारूसी लोग है या रशियन है या फिर यूक्रेनियन लोग है, तो उनके लिए वहां की मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि वहां के नागरिक जो है उनको सर्दी जुकाम हुई या किडनी ट्रांसप्लांट करना, तो एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यू कैन अंडरस्टैंड करप्शन जीरो है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पे सारी फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि स्टूडेंट्स को थियरी प्रैक्टिकल के साथ टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा. सो यू टेक्निकल नॉलेज की ये कि भी वहाँ की हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर सिटी स्कैन, MRI से लेके आप देख रहे हो, वो सारे मशीनरीज अवेलेबल है. सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर टू स्टडी MBBS इन यूरोप. लाइब्रेरी की बात करूँ तो मोर देन 4 लाख इंग्लिश बुक्स अवेलेबल है, और उनकी वेबसाइट आप विजिट करेंगे जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा,
उस वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यू कैन सर्च आउट द बुक्स बाय ऑथर नेम आल्सो बाय सब्जेक्ट्स आल्सो कि कौन सी बुक्स वहां पे इंग्लिश में अवेलेबल है. कंप्यूटर लाइब्रेरी है जहां पे मोर देन 8 लाख वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल द थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. जो आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के यू कैन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट. 4 हॉस्टल है टोटल एंड इट्स नियर बाय मेन बिल्डिंग या फिर मेन कैंपस जो होता है उसके अंदर ही है. और हॉस्टल के अंदर बहुत ब्यूटीफुल फैसिलिटीज है. एक फ्लैट टाइप हॉस्टल है जिसमें टॉयलेट बाथरूम किचन अटैच एंड स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज वहां पे बाय गवर्नमेंट यानी कि ये हॉस्टल भी प्राइवेट नहीं है इट्स बाय द गवर्नमेंट. तो ये सारी फैसिलिटीज जो आप देख रहे हो वो प्रोवाइडेड होती है बाय यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट यानी स्टूडेंट्स को कोई भी यहाँ से कोई फैसिलिटीज खड़ी करनी पड़ती नहीं. ऑफ कोर्स बेलारूस यूक्रेन रशिया या फिर दुनिया के कोई भी देश में जाओ आप तो आप प्राइवेट अपार्टमेंट में प्राइवेट फ्लैट में भी रह सकते हो और कहते हैं ना कि रेंट पे लेके एक साथ सभी स्टूडेंट्स काफी स्टूडेंट्स जो है वो रहते भी है. डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है जहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स एंड ऑल द थिंग्स होता रहता है. पेरेंट्स मीटिंग यहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स सभी कंट्रीज में बेलारूस में जाते हैं तो वहां पे हम पूरा अरेंजमेंट करके देते हैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए. फीस स्ट्रक्चर की बात करें इस यूनिवर्सिटी में जो स्टडी है उसमें तो यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो आप देखिए तो 3,22,000 है और सेकेंड ईयर की फीस 3,15,000 3,08,000 यानी कि 3,22,000 फीस रहेगी. हॉस्टल फीस 5,600 इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स. और 3,22,000 जो फीस है यहाँ पे आपको दिख रही है पिक्चर में डोंट वरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप से मंगवा सकते हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. मेडिकल इसमें नीचे लिखा हुआ है कि भी यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसमें एग्जामिनेशन फी लाइब्रेरी फीस डिपॉजिट सिक्योरिटी ये सब कुछ आ गया. यानी इंडिया में जिस तरीके से हर 2 महीने के बाद कुछ नया आता है या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में होता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फीस लेते हैं चेंजेस होते रहते हैं फीस में तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका क्या खर्चा होने वाला है. तो आप ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली देखें तो आपका दिस आर द वे सेमेस्टर वाइज आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं यानी कि किसी भी बीच वाले पर्सन को या होम एजुकेशन को ये सारी जो दिखा दे रहे फीस वो पे नहीं करनी है. आपको सिर्फ और सिर्फ जो पे करना है वो डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी. सो रिमेम्बर दिस थिंग. और दिस आर द वे हाउ यू विल पे इन डॉलर. अफकोर्स यूएस डॉलर में पे करना है आपको फीस. टोटल पैकेजेस की बात करें तो दैट्स नियर बाय 23 लाख और उसमें देखिए 6 साल का इंक्लूड होगा यूनिवर्सिटी फीस हॉस्टल फीस मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप एंड वीजा फीस. तो 23 लाख में से आप जो है वो हर 6 महीने पे फीस पे कर सकते हो डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी अकाउंट आपके स्टूडेंट्स के नाम से. ठीक है सो रिमेम्बर दैट थिंग. एंड अगर आप सभी टोटल लगाना चाहते हैं लाइक फूड एकोमोडेशन हॉस्टल यूनिवर्सिटी मेडिकल चेकअप यानी हर टाइप का खर्चा आने जाने की टिकट हर साल की 6 साल का सब कुछ मिला के अगर आप गिनोगे दैट विल बी नियर बाय 30 लाख. अगर सिर्फ प्राइमरी खर्चा तो 23 लाख 43,600. ये सारी पीडीएफ फाइल आपको भेज दी जाएगी. अभी बात करते हैं बेलारूस के नीचे एक कंट्री है वो है यूक्रेन. तो यूक्रेन जो है इट्स ऑल्सो इन यूरोप की उनका कैपिटल है. ऊपर की तरफ रशिया यहाँ पे आप देख रहे हैं बेलारूस दिस साइड इज द पोलैंड स्लोवाकिया हंगरी एंड रोमानिया. यूक्रेन ऑफ कोर्स हम सभी ने इसके बारे में पढ़ा है देखा है काफी न्यूज में भी हम वो करते रहते स्टडी. सो 4.7 करोड़ पॉपुलेशन है उनका लिटरेसी रेट जो है 99.4 है. यूक्रेनियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है. करेंसी जो है उनका 1 = 2.45 approximately 2.5 Indian rupees. Total number of medical colleges you can see 30. काफी medical colleges है Ukraine के अंदर. और मैं जो आपको देने जा रहा हूँ option that's best in Ukraine. Neighbor country जैसे मैंने बताया same like Belarus winter summer and autumn season होती है minus में temperature जाता है of course. लेकिन centrally heating system होती है वहाँ पे सभी जगह पे Russia में भी Ukraine में भी Kazakhstan में भी Belarus में भी. तो आपको बाहर निकलोगे तो यू जस्ट नीड टू वियर वॉर्म क्लोथ बाकी प्रॉब्लम वहां पे ठंड की नहीं होती है. वी हैव अ गुड पॉलिटिकल रिलेशन विद यूक्रेन स्टेबल रिलेशन है हमारा उनके साथ. ज़ापोरोजी सिटी की बात करते हैं जिस सिटी में ज़ापोरोजी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आई हुई है. ज़ापोरोजी सिटी जो है वो
कि जो कैपिटल है उसे यू कैन सी द डाउन नीचे की तरफ आया हुआ है एंड इट्स अ सेफ सिक्योर ब्यूटीफुल छोटा सा एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन अगेन लाइक ग्रोथ दो 7.5 लाख अप्रोक्सीमेटली एंड उसकी थोड़ी सी बात करें तो दो रिवर रिवर एक आई हुई है बहुत प्यारी सी जैसे सेम लाइक ग्रोथ दो मैंने बताया कि ग्रोथ दो में भी रिवर आई हुई दो पार्ट में डिवाइड करता है सिटी को इट्स ओल्ड सिटी ऑफ कोर्स इंडस्ट्री भी काफी है वहां पे एंड यू कैन सी द डेवलपमेंट इट्स डेवलप कंप्लीट डेवलप सिटी ज़ैब्रोज़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं आपको तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो 1903 से यानी कि 117 साल पुरानी कॉलेज है WHO MCI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ यूक्रेन रिकॉग्नाइज एंड भाई ये जो बीच में ये खींच रहे हैं ना वो या तो फिर बंद कर दे चले जाए क्योंकि ये काफी लोगों को डिस्टर्ब करेगा सो आई रिक्वेस्ट द पर्सन कि ये थोड़ा सा रिमूव कर दे और ताकि लोगों को परेशानी ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो सो 117 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI WHO गवर्नमेंट मैंने बताया कि रशिया यूक्रेन एंड बेलारूस तीनों कंट्री में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है ऑल बाय द गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट से होता तो मैंने उनके फायदे ऑलरेडी बता चुका हूँ 68 डिपार्टमेंट है ज़ैब्रोज़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ZSMU में 5 हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन के बाद फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करते हैं 12,700 स्टूडेंट्स है और नियरली 1,000 तो इंडियन स्टूडेंट्स है सिर्फ और काफी गुजरात और अदर स्टेट से भी अवेलेबल है वहां पे दिस आर द फैसिलिटीज यानी कि 667 फैकल्टीज है 125 डॉक्टर्स ऑफ साइंस यानी कि यू कैन सी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और कितना टीचिंग आपको सिखाने के लिए मेडिकल में बेस्ट बनाने के लिए उनके पास फैकल्टीज कितनी है सो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचिंग स्टाफ के बारे में बताया वहां पे भी अगेन लाइक बेलारूस 10 स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम 6 साल का कोर्स है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं बीच में से कि अब से अगर आपके पास एलिजिबल मार्क्स नहीं है नीट में या फिर नीट आपने नहीं दिए तो एज पर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस बार इस साल विदाउट नीट आप जा सकते या तो फिर अगले साल भी आप नीट दे सकते हो सो फॉर दिस ईयर्स ओनली ये एक बेनिफिट है दूसरा अभी जस्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि अगर आप इंटर्नशिप एब्रोड से भी करते हो तो भी वैलिड होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 साल में पहले आपको वहां पे आएंगे वहां से वापस आएंगे यू नीड टू क्लियर FMG एग्जाम फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम और उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ती थी 1 साल में इंडिया में तो आपका 7 साल का हो जाता था अभी कोई भी देश में आप जाओगे तो उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड हो जाएगी यानी कि सिर्फ यहाँ पे आके आपको सिर्फ एग्जाम देनी है जैसे ही एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा डायरेक्टली आप काम करना स्टार्ट करोगे तो दैट्स अ गुड पॉइंट 6 साल का स्टडी है 10 स्टूडेंट्स है क्लासरूम में डेली सेम मार्किंग सिस्टम है वहां पे एंड लाइब्रेरी इनफ बुक्स अवेलेबल है मोर देन 3 लाख बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश सो दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर मेडिकल नॉलेज सारी इंडियन ऑथर बुक्स भी अवेलेबल है एंड बाकी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है तो उसमें हैरिसन इज द बेस्ट बुक सर्जरी है तो उसमें गाइडन इज द बेस्ट बुक तो वो सारी बुक्स यहाँ पे फॉलो की जाती है और उससे आपको स्टडी करवाया जाता है काफी लोग कहते हैं कि सर इंडियन डॉक्टर्स और एब्रॉड के डॉक्टर्स है उसकी कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम होती है उनका इतना ज्यादा वो नहीं होता देखिए ऐसा कुछ नहीं हम जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो क्या हम ये पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से आपके 12th में कितने मार्क्स थे आपने कहाँ से MBBS किया है आपने कहाँ से MSMD किया है वी नेवर आस्क हम जो भी जज करते हैं डॉक्टर्स का वो होता है ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी आप अच्छे से डायग्नोस करोगे ट्रीटमेंट दोगे तो डेफिनेटली नो वन विल आस्क यू एंड वो डायग्नोस्टिक एंड प्रैक्टिकल स्किल आपको ऐसे देशों से मिल सकता है इंडिया की बात काफी लोग कहते हैं कि भाई इंडिया दिस एंड दैट ये वो तो इंडिया में देखिए क्या प्रॉब्लम है कि 100 का क्लासरूम होता है और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम क्या है यू नो वेरी वेल काफी प्रोफेसर्स काफी टीचर्स ने बताया है कि आप एक बार खुद विजिट करके देखो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस को
कितने लेक्चर्स होते हैं वहां पे, कितना प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे. फ्रॉम द फर्स्ट डे, यूक्रेन रशिया और बेलारूस की बात करूं, फ्रॉम द फर्स्ट डे वहां पे आपको हॉस्पिटल्स के अंदर लिया जाता है, वहां पे आपको हर चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती है. हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टिचेस लेते हैं, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में करते हैं, वो ऑपरेशन में भी असिस्ट करते हैं फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, डिफिब्रिलेट से लेके, यानी कि जो स्टूडेंट्स इंडिया के हैं जिनको मुश्किल से 4.5 साल में कुछ दिखाया जाए, कुछ कराया जाए, वहां पे सब कुछ सिखाया जाता है. तो द लेवल ऑफ द एजुकेशन इज अ वेरी हाई, प्रैक्टिकल लेवल इज अ वेरी हाई. आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडिया. 5 हॉस्टल्स है, टोटली 100% सेफ्टी सिक्योरिटी, सभी कैंपस जो है वो सीसीटीवी कैमरे से अवेलेबल है. वहां पे आईडी कार्ड सिस्टम होता है. गर्ल्स एंड बॉयज की हॉस्टल सेपरेटली अवेलेबल है. स्टूडेंट्स कंफर्ट जोन के लिए सारी फैसिलिटीज इज अवेलेबल बाय द वहां की जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा. स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होता. मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई एमबीबीएस की स्टडी बहुत टफ होती है, इसमें ये होता है, काफी तो नीट में इतने परेशान हो जाते हैं 2-3 साल पढ़ाई कर करके, तो वो एमबीबीएस को तो 500 मार्क्स 720 में से 500 आए तो भी बोलेंगे नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है कुछ. तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है. दुनिया के हर एक कोर्सेज में जब आप एडमिशन लोगे, कॉलेज में जाओगे, स्टडी करोगे, तो वो इक्वल स्टडी होता है. हर साल हर पर डे फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पढ़ लो, दैट्स सफिशिएंट इनफ, मोर देन इनफ, और 2 आवर्स से ज्यादा पढ़ना है. लेकिन आप अगर सोचोगे कि भाई एग्जाम से 1 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली एफोर्ट ज्यादा लगता है. और मेडिकल स्टडी में सिर्फ स्टडी नहीं होता, हर कॉलेजेस में स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. एंड ज़ैपोरोजी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में है, जिनके साथ हमारा ऑफिशियल टाई अप है, और इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ जाने वाले हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये बता दूं आप सभी को कि हम सभी स्टूडेंट्स को 10-10 ग्रुप में भेजने वाले हैं. सर्विसेज के बारे में बताऊंगा तब डिटेल में पता चलेगा, और उनके साथ हम भी जाते हैं. फीस के बारे में जानते हैं तो 3,15,000 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फीस रहेगी, जो आप सेमेस्टर वाइज डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं. हॉस्टल फीस जो है वो 56,000 ओनली, इंक्लूडिंग वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल द बिल्स. और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप जो है वो हर साल आपको करवाना होता है, उसका नियर बाय 14,000 ₹14,000 लगते हैं. ये सारे खर्चे जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसके अलावा और कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना होता. सो दिस आर द डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे आपको कैसे पे करना होगा. एंड अगर आप देखें तो 25 लाख रुपीज मैक्सिमम पैकेज बनेगा यहाँ का, और आप 25 लाख रुपीज में 6 साल का इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस एंड एक्सपेंस. नाउ हमने बात की बेलारूस की, फिर उसके बाद यूक्रेन की बात की, तो अब बात करते हैं रशिया की. रशिया के बारे में वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि रशिया के अंदर, पहले फिलीपींस है सॉरी, तो एमबीबीएस इन फिलीपींस की बात कर लेते हैं. फिलीपींस में जो है नेबर कंट्रीज, यू नो वेरी वेल, छोटा सा एक टापू है, और ये मलेशिया के पास में आया हुआ है, जहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हमारे इंडियन स्टूडेंट्स है, गुजराती स्टूडेंट्स है, वो पढ़ रहे हैं, हर साल जा रहे हैं. अभी ज्यादा जाने की वजह भी बहुत सारी है. नंबर वन, जो मैं आपको सिलेबस आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन क्वाइट बेनिफिट ये है कि यहाँ पे फिलीपींस में अभी जो है अपने फोटोग्राफ्स एंड ऑल द थिंग्स देखे होंगे, लेकिन स्टिल लेट्स फर्स्ट क्लियर विद द फिलीपींस कंट्री. तो बहुत एक छोटी सी कंट्री मान सकते हैं, छोटे छोटे टापू है और उसी में सारे सिटीज बसे हुए, लेकिन टोटल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा है, और उनका 1 पैसो इज इक्वल टू 1.5 इंडियन रुपीस है. कंट्री में मेन लैंग्वेज जो है उनकी खुद की भी लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज होता है. यूजली इंडियंस ज्यादा है वहाँ पे देखा जाता है, इंडियंस काफी इंडियंस जो है वहाँ पे सेटल डाउन है. टोटल जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज 38 है. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हाई, और उसमें प्राइवेट भी बहुत सारी है, उसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारी है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि फिलीपींस में जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम वो अमेरिकन बेस फॉलो किया जाता है. इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इनोवेटिव करिकुलम है उनका, ट्रॉपिकली क्लाइमेट जो है इंडिया से सेम है, तो डिजीज एंड ऑल थिंग्स सेम ही होती है, लेकिन
देखिए WHO MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज होती है, तो दुनिया की सारी डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जैसे यूरोप में जाओगे तो वहां पे ऑफ कोर्स मलेरिया के केसेस नहीं होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल पल्मोनरी हाइपोटेंशन या फिर लीवर साइरोसिस के जो केसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं वहां पे कंपेरेटिवली इंडिया। सो बुक्स में तो सारी चीजें पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल में भी सारी चीजें दिखाई जाती है। सो इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री है। इम्पोर्टेंट बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा है, बट ऑब्वियस है कंपेरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है स्टडी, वहां पे कम प्राइस में आप आगे बढ़ सकते हो। देंगुम ये जो सिटी है उसके अंदर ओनली 1.7 लाख पॉपुलेशन जो है उसमें इस सिटी में है। और यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो लेसियम इंस्टीट्यूट है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर आपको आप स्टडी कर सकते हैं। 1969 से ये यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है। टोटल फिलीपींस में लेसियम इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ाई करने जाते हो MBBS, तो वहाँ पे टोटल कोर्स का जो है वो 1.5 5.5 साल का कोर्स होगा, जिसमें 1.8 प्री मेड कोर्स होगा जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे अगर इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो तो 1 साल आपको इंडिया में पढ़ना होगा। दैट्स गुड थिंग। अगर आपके पास नीट के मार्क्स नहीं है तो आप इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। देखिए वहां पे 1.5 प्लस 4 ईयर, 1.5 प्री मेड का कोर्स होता है जिसमें आपको प्राइमरी प्री मेडिकल सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाते हैं, और बाकी के जो 4 साल है वहां पे आपको पढ़ाया जाता है मेडिकल सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो एज पर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स रेगुलेशन, अगर आप फिलीपाइन जाना चाहते हो तो एक एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 1 साल आपको यहाँ पढ़ना पढ़ सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप 1 साल के बाद फिर से नीट एग्जाम दे सकते हो अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिए या फिर एलिजिबल मार्क्स नहीं है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि वहां से यूएसए जाना भी थोड़ा इजी होता है, यू कैन क्लियर द USMD एग्जाम ऑल्सो। लो ट्यूशन फीस है, यानी कि बजट आपका लो बजट है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। हाई रेपुटेशन इंस्टीट्यूट है, यू कैन अंडरस्टैंड 1969 से है, लोकेटेड इन द डागुपेन सिटी का नाम है, जिसकी पॉपुलेशन मैंने बताई कि 1.7 है। इंग्लिश मीडियम में कम्प्लीटली स्टडी होता है यहाँ पे। हॉस्टल फैसिलिटीज, अगेन लाइब्रेरी एंड ऑल द थिंग्स इज अवेलेबल। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई करिकुलम जो है उनका US बेस्ड होता है, MD की डिग्री मिलती है सभी जगह पे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड USA। अभी जो है प्लस पॉइंट दूसरा फिलीपींस का ये कि NMET की जो एग्जाम आती थी 1.5 साल के बाद वो निकल चुकी है, तो एक बर्डन कम हो गया, यानी कि सभी स्टूडेंट्स 1 साल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद फिलीपींस जाएंगे। फिलीपींस में बाकी के जो 4.5 साल है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन दे विल कम बैक। तो 5.5 साल में विथ इंटर्नशिप आप जो है अपना कोर्स खत्म करेंगे एंड यू विल कम बैक, यहाँ पे FMG के एग्जाम दोगे और एग्जाम देने के बाद यू विल डायरेक्टली स्टार्ट द प्रैक्टिस। सो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस के कंपैरिजन का किया जाए तो ऑफ कोर्स आपके 6 महीने यहाँ पे बच रहे। नेक्स्ट बात करें तो ऑफ कोर्स ऑल द फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल, लाइब्रेरी, हॉस्टल अवेलेबल है, ग्रुप ट्यूशन यानी कि एक क्लासरूम में 10, ऑनलाइन CCTV कैमरा, सेफ्टी सिक्योरिटी सभी जगह पे है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। कंप्लीटली बात करें तो फी स्ट्रक्चर यू कैन सी सेमेस्टर वाइज अगर आप देखें तो प्री मेड का जो प्रोग्राम होता है वो 5 सेमेस्टर का होता है, हर एक सेमेस्टर 5 महीने का होता है, और ये जो फीस है वो आप इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी पे कर सकते हो। और मेडिकल का जो प्रोग्राम होता है यानी कि MD का जो प्रोग्राम है वो है 4 साल का, जिसकी फीस आप डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी पे कर सकते हो। यहाँ पे AC नॉन AC जो क्लाइमेट ह्यूमिड है, समंदर के किनारे आया हुआ एक छोटा सा टापू है, सो यू विल एंजॉय दैट एनवायरमेंट ऑल्सो। और अगर शॉर्ट में बताए तो कंप्लीट पैकेज जो है वो आपका यहाँ पे 20 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा स्टडी। नेक्स्ट हमने बात की बेलारूस, देन यूक्रेन, देन फिलीपींस, अब बात करते हैं रशिया की। कंट्री रशिया के बारे में वी नो ऑल वेरी वेल। यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है रशिया। मॉस्को उसका कैपिटल है, 14.4 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है, 1 रूबल इज इक्वल टू 1 RS इंडियन रुपीस है, नंबर ऑफ कॉलेज 57। अफकोर्स इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा कॉलेजेस है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अगेन बेलारूस, रशिया और यूक्रेन
तीन देश ऐसे है जहां पे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और बात करें तो हाईली पॉपुलर इन द मेडिकल एजुकेशन, रशिया का मेडिकल एजुकेशन बहुत पहले से पॉपुलर है, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स अभी इंडिया के वहां पे पढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अभी डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिंस लास्ट 1990 से इंडियन डॉक्टर्स जो है वो वहां पे पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। काफी अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन हमारा जो है उनके साथ है। एंड बात करें तो 99.77 लिटरेसी रेट है उनका, सेम रशिया यूक्रेन एंड बेलारूस में तीन सीजन होती है, विंटर में माइनस में टेम्परेचर जाता है, बट अगेन यू नो टू वरी, जिस सिटी में यूनिवर्सिटी आई हुई है उस सिटी का नाम है स्टावरोपोल। स्टावरोपोल जो है वो 1924 से फाउंड किया गया है, 2.7 मिलियन पॉपुलेशन है ओनली, एंड काफी वैसा देखा जाए तो कंपेरेटिवली बड़ा सिटी एंड ब्यूटीफुल है, कल्चर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है उसको, और स्टावरोपोल जो है उसका ऑल ओवर देखा जाए तो हिस्टोरिक प्लेस जो है वो ज्यादा है, ज्यादातर क्रिश्चियंस पॉपुलरिटी यहाँ पे रहती है, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स ऑफ द सिटी। स्टावरोपोल जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट की लोती यूनिवर्सिटी, एंड 1938 जो है पुरानी काफी यूनिवर्सिटी है, एंड 6 साल आप वहां पे स्टडी कर सकते हो। 82 ईयर ओल्ड WHO MCI एंड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट बाय रशिया की जो गवर्नमेंट है उससे संचालित है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, टोटल 40 डिपार्टमेंट है। 2005 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे, मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए और अच्छे डॉक्टर्स बनाने के लिए। यू कैन सी द मेन बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड अगेन 40 प्रोफेसर, 40 डिपार्टमेंट्स है उसमें, 32 प्रोफेसर, 56 कैंडिडेट्स, यानी कि टीचिंग फैसिलिटीज एंड द स्टाफ जो है वो काफी हाईली अवेलेबल है। अगेन 6 ईयर कोर्स, रशिया हो, यूक्रेन हो या बेलारूस, सभी जगह पे 6 साल का कोर्स है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, डेली मार्किंग सिस्टम से आपका एवोल्यूशन होता है, मॉडर्न क्लासरूम अवेलेबल है जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, एंड लाइब्रेरी स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट, एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम, और ऑल द जो मैं सारी चीजें बहुत जल्दी से बोल रहा हूँ लैक ऑफ टाइम की वजह से, बट ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको, वीडियो भी है हमारे पास प्रेजेंटेशन के साथ, ऑल द इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स भी है, तो आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। दिस इज द हॉस्टल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है वहाँ पे, सभी कंट्रीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे फूड फैसिलिटीज अवेलेबल है, इंडियन फूड विथ इंडियन कुक विदाउट एनी इश्यू, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी खाने का इश्यूज ना हो। देन कल्चर एक्टिविटीज, एज यूजुअल मैंने बताया कि सभी कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बात नहीं होती, वहाँ पे स्टूडेंट्स सभी स्पोर्ट एक्टिविटीज कल्चर एक्टिविटीज में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और काफी रैंक्स भी लाते हैं। स्टूडेंट्स के फीस के बारे में बात करूं तो वहाँ पे 2,80,000 फीस है पर ईयर जो आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, और हॉस्टल फी 56,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और टोटल खर्चा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका होता है वो 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख रुपीस में आपकी स्टडी वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं लास्ट इंस्टीट्यूट कजाकिस्तान। कजाकिस्तान MBBS की बात करें तो ऑल्सो आप सभी ने इस कंट्री का नाम सुना ही होगा, आप सोचते हैं कि भी ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम कंट्री तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्रिश्चियन भी उसी मात्रा में वहां पे रहते हैं, काफी लोग रशियन भी जानते हैं। तो कजाकिस्तान की बात करें तो सेंट्रल एशिया का पार्ट माना जाता है, 18 मिलियन पॉपुलेशन है, 99.8 लिटरेसी रेट है, कजाक एंड रशियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और टोटल मेडिकल कॉलेजेस इस कंट्री में बात करें तो 12 है। कजाक इज द लार्जेस्ट सेंट्रल एशिया की कंट्री है, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, और पॉलिटिकल स्टेबल है, पॉलिटिकल रिलेशन हमारे उनके साथ अच्छे हैं, और तीन सीजन लाइक मैंने बताया जैसे रशिया यूक्रेन और बेलारूस में होती है, वैसे ही तीन सीजन होती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। अल्माटी उनका कैपिटल है और उस कैपिटल के अंदर जो है यूनिवर्सिटी आई हुई है जिसका नाम है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1854 यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी प्रेजेंटेशन दी उसमें से सबसे ओल्डेस्ट जो है वो सिटी मान सकते हैं हम।
अलमाटी, एंड देन अलमाटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कजाकिस्तान, सेंटर स्टेट म्यूजियम भी है। सो कैपिटल होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी आई हुई है जिसका नाम है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी बात करें तो इस रिकॉग्नाइज बाय WHO एंड MCI, नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अभी फिलहाल 700 उस यूनिवर्सिटी में है, पढ़ रहे हैं। 90-30 यानी कि 90 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी, 7 एकेडमिक बिल्डिंग है उनके पास, 31 स्पेशलिटी रेसिडेंस कर सकते हो आप, PG भी कर सकते हो, एंड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट जाहिर की गई 2001 में। देर आर 20 डॉक्टर्स ऑफ साइंस, 130 प्रोफेसर, आप देख सकते हो सिर्फ नंबर से कि कितना टीचिंग स्टाफ उनके पास अवेलेबल है। कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा डॉक्टर्स अगर इंडिया में है, फॉर एग्जाम्पल 10 out of 4 डॉक्टर्स जो होते हैं वो एब्रोड वाले होते हैं, और उसमें एक डॉक्टर जो है वो कजाकिस्तान का होता है, एक होता है वो रशिया का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भी काफी स्टूडेंट्स एब्रोड जाते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे किसी भी कंट्री में जाकर, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड डॉक्टर। और गुड अच्छा डॉक्टर बनता है अच्छे नॉलेज से, ना कि अच्छी कॉलेज से, ना कि अच्छे प्रोफेसर से, अच्छी टीचर से। तो कहीं भी जा सकते हो आप और कहीं भी अपना कैरियर बना सकते हो। सो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में किस वे में स्टडी होती है, सेकेंड ईयर में कैसे होती है। बट मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान, बेलारूस, ये चार देश में टोटल आपको 59 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं 6 साल में, जिसमें प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम से ही आपको हॉस्पिटल विजिट करना होता है, नर्सिंग पढ़ाया जाता है। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछेंगे कि भाई मुझे आवर्स वाइज स्टडी चाहिए कि भी कौन से सब्जेक्ट्स में कितने आवर्स होंगे, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे, उसके फोटोग्राफ्स, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका पूरा हिस्ट्री, दैट्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। इन चारों कंट्री की जो मैंने बात की, उस यूनिवर्सिटी के साथ जिसके साथ हम जुड़े हुए, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पर जहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जाना चाहिए। तो सिलेबस फिक्स है, एग्जाम डेट्स भी, पांचवें साल की एग्जाम कौन कौन सी आएगी, उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कौन से दिन ली जाएगी, दैट्स फिक्स। तो अब आप सोच लो कि भाई कंपेरिजन कर लो इंडियन स्टडी और वहां की स्टडी के साथ। वहां पे पूरा मॉडिफिकेशन जो स्टडी का है, स्पेशली इन यूरोप, बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के बेनिफिट पे किया जाता है। सिर्फ 5 दिन स्टडी करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो दैट्स द थिंग कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बर्डन स्टडी का नहीं रहता है। सो हम जो बात कर रहे थे वो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी मेन बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, बिगेस्ट मेडिकल लाइब्रेरी इन द कंट्री, 10 लाख से ज्यादा उनके पास बुक्स, टेक्स्ट बुक है, 6 रीडिंग हॉल है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी एंड द स्टडी रूम। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल इंडियन स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सभी जगह पे सेपरेटली अवेलेबल है, विथ इंडियन फूड फैसिलिटीज, सीसीटीवी कैमरा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग एवरीथिंग 24/7, यानी कि वहां पे लाइट जाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर गर्म पानी, ठंडे पानी का इश्यूज एंड ऑल द थिंग्स नहीं है। अटैच किचन सभी जगह पे अवेलेबल है, यानी स्टूडेंट्स रात को 3 बजे उठ के मैगी बनाना चाहे तो दे कैन डू दैट। मेडिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो कैंपस में 92 क्लिनिक्स और 76 डिपार्टमेंट है, तो समझ लो कि भी कितना बड़ा कैंपस है एंड किस वे में वो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती होगी। ऑफकोर्स लैक ऑफ हमारे पास टाइमिंग इतना ज्यादा नहीं है, वरना तो मैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन आप अपने ऑडियो से, मैसेज से, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन भेजिएगा पर्टिकुलर कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटीज के लिए, तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू पर्सनली, एंड अगर जरूरत लगेगी तो वी विल ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ वेबिनार अगेन। तो ये कल्चरल एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट है, जिसके फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। हमारे चारों सभी कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन बने हुए हैं, कल्चरल प्रोग्राम जिसके बेस पे होते हैं। सभी कंट्रीज में हमारी एम्बेसी अवेलेबल है, उन सभी कंट्रीज जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, उनकी जो है वो एम्बेसी हमारे यहाँ इंडिया में भी अवेलेबल है। फीस ओनली 3,29,000 हर साल पे करना है डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, 24,500 जो है उनकी हॉस्टल फीस है। अगर आप देखा जाए तो कम्प्लीटली 17 लाख में आप स्टडी वहाँ पे खत्म कर दोगे, यानी कि दैट विल बी फिनिश। सो ये है जिसकी मैंने बात की आपको, और अभी आगे जो बात करने वाले हैं, हमारा रोल क्या होता है, ओमेजू कौन क्या करता है इसमें।
तो अमे जुकोन की बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, सर्विसेज जो है हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं शॉर्टली अगर मैं बता दूं आपको, तो हमारे जो सर्विसेज होती है उसमें वी आर नॉट मींस जस्ट एडमिशन, हम एडमिशन करवाना का काम सिर्फ नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट्स को यहाँ से ले जाना से लेके वहां पे सेटल डाउन करना, आफ्टर दैट उनकी 6 साल 5 साल की जो स्टडी है वो कम्प्लीट करवाना, और कम्प्लीट करवाने के बाद उनको वापस यहाँ पे लाना, यहाँ पे MCI की एग्जाम क्लियर करवाना, टिल दैट मोमेंट वी आर डीलिंग। ओमेजुकोन की सर्विस की बात करो, सबसे पहले हम आपका काउंसलिंग करेंगे, बिकॉज ऑफ कोरोना अगर आप नहीं आ पा रहे हो अहमदाबाद, तो वी विल डू दिस थिंग ऑन जूम, कंट्री सिटी यूनिवर्सिटी की एंटायर प्रोसेस और सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दी जाती है, देन उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, पासपोर्ट बनाने की प्रोसेस हमारे थ्रू होती है, दैट टेक नियर बाय 30 डेज, फिर डॉक्यूमेंट्स हम वहां पे ट्रांसलेशन करवाते हैं, जिस कंट्री में आप सिलेक्ट करोगे उस कंट्री की बात हो रही है, नोटरी, फिर एप्लीकेशन, फिर यूनिट्स में सबमिशन, देन वहां से हम आपका इन्विटेशन लेटर मंगवाते हैं, वीजा लेटर एंड लोन लेटर। अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो मैं आपको साथ में ही बता दूं शॉर्ट में कि भी अगर आप OBC कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर 15 लाख रुपए की लोन आपको गवर्नमेंट से मिल सकती है, अगर आप EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भी मिल सकती है, और वो कैटेगरी नहीं है फिर भी आप एब्रॉड स्टडी के लिए लोन 80% तक आप ले सकते हो। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपके मंगवा के देते हैं ओरिजिनल, देन आपकी मार्कशीट अपोस्टाइल करवाना, वीजा फाइल प्रिपेयर करनी, वीजा लगवाना रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान के लिए आपको एम्बेसी नहीं जाना होता, आपको घर बैठ के वीजा मिल जाता है, सेम फॉर द फिलीपींस आल्सो, आपका पेपर वीजा आपको घर पे मिल जाता है विदिन 10 to 15 days। फिर उसका बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है, हमारी ऑर्गेनाइज कर देती है, आपकी एयर टिकट ली जाती है, और सब इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन पहले से हमारी तरफ से की जाती है, वीजा फीस, इंश्योरेंस, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेक केयर बाय अस ओनली। स्टूडेंट्स के साथ ही जहाँ पे हमारे 10 स्टूडेंट्स होंगे, सभी स्टूडेंट्स जो है वो एक ग्रुप में फ्लाई करते हैं, और हमारे ऑफिस के टीम मेंबर में से कोई ना कोई एक सभी स्टूडेंट्स के साथ फ्लाई करते हैं। एक्सक्लूसिव सर्विसेज की बात करें तो मीटिंग होती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि स्टूडेंट्स को कौन सी चीजें ले जानी है, कौन सी चीजें नहीं ले जानी, कितने कपड़े ले जाने, कौन से टाइप की बैग्स होगी, कितना वजन ले जाना है, डॉलर कहाँ से खरीदना है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन, ऑल द थिंग्स वो मीटिंग में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दी जाती है। स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन, पिकअप ड्रॉपअप फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पिक करते हैं, देन हॉस्टल डायरेक्टली लिया जाता है, देन 5 दिन में उनकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, एडमिशन कंप्लीट करने के बाद उनको जहाँ पे भी एडमिशन दिया है उस सिटी और उसका कैंपस टूर करवाते हैं, और ताकि स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस आर द फोटोग्राफ्स जहाँ पे आप देख सकते हो कि भी सिटी टूर हो रही है 24/7। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो हॉस्टल में रहते कि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन लाया जाए। हमारी तरफ से ओमेजुकोन की तरफ से मंथली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और ईयरली टेस्ट ऑर्गेनाइज होती है ताकि स्टूडेंट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, उनको ज्यादा इंटरेस्ट लगे स्टडी में, FMG एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो, उसके अलावा USMLE एग्जाम हो, प्लैब हो, उसके लिए गाइडेंस देना, उसकी बुक्स अवेलेबल करवाना। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जैसे रशिया है, कजाकिस्तान है, वहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी FMG के होते हैं, हमारी संस्था जो है वो ऑर्गेनाइज करके देती है। सो दिस आर द वे हाउ वी आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स के ग्रुप में डेली MCQ शेयर किए जाते हैं, टाइप की हुई मोर देन 25 बुक्स जो है वो ऑलरेडी एडमिशन टाइम पे यहाँ से ही हम उनको दे देते हैं, स्पॉट एक्टिविटीज करवाते हैं, कल्चर एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स का टूर आयोजन करना मंथली, एक साथ कहीं घूमने जाना, इवन यूरोपियन कंट्रीज में घूमने जाना आफ्टर 3rd ईयर। पेरेंट्स को अगर एजुकेशन लोन चाहिए, पैसे ट्रांसफर करने हो, पेरेंट्स को ट्रैवलिंग खुद से करना हो, तो दैट विल बी कम्प्लीटली हैंडल एंड द गिवन सर्विस बाय अस। सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स के रिपोर्ट्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल करवाते हैं हम, कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है, कितने क्लासेस मिस किए, कितने उनकी एब्सेंस है, प्रेजेंस है, ताकि आप उनका परफॉर्मेंस जो है वो ऑल ओवर देख पाए। सभी जगह पे मैंने बताया वैसे इंडियन फूड मेन्स अवेलेबल है, मैं खुद सभी जगह पे विजिट करने जाता रहता हूँ, एंड मेरे अलावा
पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो भी विजिट करते हैं, यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव है, इस साल नहीं आ सकते वरना यू नो वेरी वेल कि हर साल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी आते रहते हैं और मीटिंग्स होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि किसी भी स्टूडेंट्स को हम भेजते हैं उससे पहले उनको हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है प्री मेडिकल ट्रेनिंग का, जो इस साल ऑनलाइन होगा, जिसमें मैं सिंपली बता दूं कि 12th तक आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया होगा रिलेटेड मेडिसिन। तो यहाँ पे हम आपको इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात है, तो क्या होता है कि भाई आप पूरा प्रिपेयर हो जाते हो वहां पे जाके। जैसे आपने सुना होगा कि भाई स्टार्टिंग के कुछ मंथ बहुत डिफिकल्ट लगता है, इंग्लिश मीडियम प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जो प्रॉब्लम होता है वो स्टूडेंट्स को फेस ना करना पड़े। फॉर दैट हम ऑलरेडी मोर देन 800 डॉक्टर्स को इसमें ट्रेन कर चुके हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि उनको वहाँ की जो 6 महीने की स्टडी है वो यहाँ पे कुछ महीनों में हम करवा देते हैं। मोर देन 2000 मेडिकल टर्मिनोलॉजी वर्ड उनको बाय हार्ट हो जाता है खेलते खेलते। ऐसी एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट हम करवाते हैं, स्पेशली इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहां पे एब्रॉड में क्या है कि सिर्फ आप नहीं हो, दूसरी कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी है और हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी से पीछे ना रह जाए। उसके लिए उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि वाइवा होगा, ओरल एग्जाम होगी कॉलेज में, एमसीक्यूज एग्जाम तो होती है, लेकिन इसके अलावा वाइवा में हमारे स्टूडेंट्स पीछे पड़ जाते हैं। सो ये सारी चीजें ना हो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आपको ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग में आपको इतने अच्छे से ट्रेन, यानी कि वहां जाके आपको 100 kg वेट उठाना है तो यहाँ पे मैं आपको 200 kg की प्रैक्टिस दे दूंगा। तो यहाँ पे घर पे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है कि यहाँ पे आप एक दूसरे से ग्रुप बना लोगे, ग्रुप हो जाएगा कि भाई यूक्रेन वाला ग्रुप है, रशिया वाला ग्रुप है, यहाँ से आप एक दूसरे से जान जाओगे तो वहां जाके होम सिकनेस नाम की चीज नहीं होगी। एक्सेप्ट दैट काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं सर मुझे ये लगता है कि मैं पता नहीं पढ़ पाऊंगा, स्टडी कर पाऊंगा या नहीं, सो यहाँ पे वो एक ट्रायल भी ले सकते हैं। तो दिस आर द वे फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप। अनबिलीवेबल रिजल्ट में ये कहूंगा कि प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप का रिजल्ट ये है कि एक भी स्टूडेंट हमारा वापस नहीं आया कभी, एक भी स्टूडेंट हमारा कभी फेल नहीं होता, क्योंकि प्री प्रिपरेशन ही इतनी ज्यादा होती है। अगर हमें 5 दिन के लिए घूमने जाना है और वो 5 दिन में प्रिपरेशन हम 3 महीने पहले करते हैं तो यहाँ पे 6 साल 5 साल के लिए आप जा रहे हो, दैट्स अ करियर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से की जाए, उसका पैकिंग अच्छे से की जाए तो डेफिनेटली आप अच्छे डॉक्टर्स बनोगे। सेशन के एंड में एडवाइस दी जाती है, बताया जाता है कि ये चीज आपको करनी चाहिए, गिफ्ट एंड आपको इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट एंड ऑल द थिंग्स इन शॉर्ट दिया जाता है। जो यूजली हमारा जो है वो शॉर्टली एक सेशन स्टार्ट हो चुका है, दूसरा सेशन जो है वो भी शॉर्टली स्टार्ट होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गेट टुगेदर हम आयोजन करते हैं जो इस साल नहीं हो पाया, जिसमें हमारे संस्था ओम एजुकेशन के थ्रू दुनिया में कहीं भी स्टडी करने जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक से सम्मानित करते हैं और गिफ्ट देते हैं। वैसे ही यूक्रेन में चाहे कहीं भी कंट्री, रशिया में चाहे बेलारूस में चाहे या फिलीपींस में, तो वहाँ पे हम ईयरली ऐसा एक प्रोग्राम वहाँ पे भी आयोजन करते हैं और एम्बेसी के साथ वी आर ऑफिशियली टाई अप। ऑफिशियली मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, डॉक्टर विजिट करना, ये सारी चीजें होती रहती है। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो हमारा काम ये है कि आपको यहाँ से पूरा प्रिपेयर करना, वहां पहुंचाना, तब हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव टीम मेंबर यहाँ से साथ में होगा। आफ्टर दैट डेली सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है स्टूडेंट्स का अलग से, जिसमें मैं और मेरी टीम रहती है, वहां की टीम भी रहती है, यहाँ की टीम रहती है, जो यहाँ के पेरेंट्स है उनका अलग से एक ग्रुप बनता है जिसमें पूरी टीम अवेलेबल रहती है। The thing is that our work is admission to the degree. आपको डिग्री तक पहुंचाना अच्छे से, आपकी सेफ एंड सिक्योर जर्नी रहे वो रहता है। तो लास्ट में ये कहूंगा कि MBBS आपको रशिया में करना हो, यूक्रेन में करना हो, बेलारूस में करना हो, या फिर फिलीपींस में करना, या फिर कजाकिस्तान, या इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जिसके बारे में अगेन नेक्स्ट संडे हम काम करेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई हो या कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरीज है कोई भी कंट्री के बारे में, या फिर ये प्रेजेंटेशन चाहिए आपको, तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। ये जो वीडियो है शॉर्टली हम यूट्यूब और फेसबुक पे भी रखेंगे, आपके दोस्त अगर नहीं देख पाए तो दे कैन सी। स्पेशली आपको काउंसलिंग चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन जूम सिटिंग एट होम, अगर आप घर पे बैठते हुए चाहते हैं कि पूरा डिटेल में एक ही कंट्री के बारे में जानना है आपको कोई भी,
तो भी हम आपके लिए रेडी है एंड देट विल बी प्रोवाइड बाय अस विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज व्हाट्सअप करना मत भूलिएगा, आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा, अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज व्हाट्सअप अस वीडियो से ऑडियो से कोई भी माध्यम से एंड वी विल डेफिनेटली कहते ना कि आपको आंसर करेंगे, मैं खुद भी आंसर करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप पेशेंस स्टार्टिंग से एंड तक मुझे देखते रहे सुनते रहे और आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो इनफ होगी एंड आपको आपका कैरियर बनाने में मदद रूप होगी। थैंक यू वेरी मच, फिर से नेक्स्ट संडे ऐसे ही एक वेबिनार के साथ अवेलेबल होंगे और उसमें जुड़ने के लिए जो है आप हमारा फेसबुक पेज और सभी जो सोशल मीडिया पेजेस है उसके साथ जुड़े रहेगा, यू विल गेट द डेफिनेटली सारे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का खूब खूब आभार।